गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आइए स्टार्ट किया जाए भैया। आज कार्वे एनाइन, और जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए भाई, फटाफट जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है, जल्दी देखिए ध्यान से, यहाँ पर जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए भाई, जल्दी से सब लोग जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। आइए जल्दी से देखिए यहाँ पर ध्यान से। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार, आप मुझे देख रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। मुझे 10 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस, आप सभी इस समय मेडिकल और जेई के लिए आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत चैनल अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक नीट यूजी पर, हम आपको पढ़ाते हुए। जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी से देखिए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी देखिए ध्यान से, फटाफट जल्दी सब लोग आ जाइए भाई, जल्दी 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 से सब लोग लिंक को शेयर कर लीजिए भाई, फटाफट जल्दी से शेयर कर लीजिए भाई, लिंक को शेयर कर लीजिए भाई, फटाफट लिंक को शेयर कर लीजिए भाई, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी से आ जाइए भाई, फटाफट जल्दी से जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। कौन कौन आ गए भाई यहाँ पर, एक बार गुड मॉर्निंग लिखिए भाई, एक बार गुड मॉर्निंग लिखिए। आइए, आ जाता है कार्बे एनायन, क्या है कार्बे एनायन, क्या आ जाता है कार्बे एनायन, आ जाता है क्या, आता है कार्बे एनायन। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करें, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब इसको। ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया, आप कार्बे एनायन को और फ्री रेडिकल दोनों पढ़ाएंगे, कार्बन नाइन और फ्री रेडिकल दोनों पढ़ाएंगे आपको, दोनों ध्यान दीजिएगा। चलिए हम देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर देखिए ध्यान से यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है जल्दी से देखिए ध्यान से यहाँ पर, एक सेकंड बेटा। पहला आता है कि कार्बे एनाइन, ठीक है पहला आता है भैया कार्बे एनाइन के बारे में ना, पहले हम लोग डिस्कस कर लें कार्बे एनाइन के बारे में। क्या है ये कार्बे एनाइन, कार्बे एनाइन में जरा देखिए ध्यान से यहां पर, कार्बे एनाइन में ठीक है, देखो यहाँ पर कार्बे एनायन में क्या होता है, जल्दी बताइए ध्यान से, सब लोग से एक सवाल पूछूंगा मैं, सभी लोगों से एक सवाल पूछूंगा मैं, और सभी बच्चों को बताना है, सभी बच्चों को बताना है यहाँ पर कि देखो यहाँ पर ये तीन तो है बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर मतलब होगा चार, चार का मतलब होता है sp3, यही होता है sp3, यही होता है sp3। ठीक है, ठीक है देखो आप ध्यान से, अब आता है मेरे दोस्तों यहाँ पर, यहाँ पर आता है एक तो sp3 हो गया, आपसे पूछेगा शेप, तो शेप लिख देना है इसकी पिरामिडल, ये नीट में पूछा गया है। कार निगेटिव चार्ज, कार्बन कंटेनिंग निगेटिव चार्ज आर नोन एज, क्या बोलते हैं कार्बे एनायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कार्बे एनायन, और इसका पूछेगा आपसे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कहलाएगी इसकी टेट्राहेड्रल, क्या कहलाएगी टेट्राहेड्रल, शेप इसकी ये है और ज्योमेट्री इसकी ये है भाई, समझ में आ गई बात की नहीं, शेप इसकी ये है ज्योमेट्री इसकी ये है भाई, क्लियर है। इसके बाद जरा देखिए ध्यान से यहां पर, आठ इलेक्ट्रॉन इसके पास है, देख लो दो दो चार दो छह, लोन पेयर वाला आठ, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अगला है ये लुइस बेस का काम करेगा, और जो लुइस बेस होगा वो क्या होगा,
न्यूक्लियो फाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियो फाइल। वो क्या होगा? न्यूक्लियो फाइल होगा। वो क्या होगा? न्यूक्लियो फाइल हो जाएगा। क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियो फाइल। क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियो फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियो फाइल। क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं? आइए, ये बहुत इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। न्यूक्लियोफाइल काम करता है कार्बन निगेटिव चार्ज यहाँ पर, और इसके बारे में एक है 8 इलेक्ट्रॉन इवेन है, तो क्या कहलाता है? डायमैग्नेटिक। सारी इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं, चाहे आप नीट का एग्जाम देने जाएं, चाहे आप जेई का एग्जाम देने जाएं, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएं, चाहे स्कूल का एग्जाम देने जाएं, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, एक एक सवाल आप करके आएंगे, एक एक सवाल आप करके आएंगे, चिंता मत करें भाई। एक ही बढ़िया बढ़िया सवाल, सब लोग बढ़िया, लिंक को शेयर कर दो भाई। अब आता है कि स्टेबिलिटी ऑफ, जो स्टेबल, ठीक है, कोई आप ध्यान से, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई ग्रुप के। क्या प्लस आई ग्रुप के? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली होता है माइनस आई ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई ग्रुप के। राइट, ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब आइए देखिए, देखो यहां पर इसका एग्जाम्पल। जल्दी देखिए ध्यान से, यहां पर यही है। समझ में आगे बात करें, आइए यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर जल्दी देखिए ध्यान से, यहां पर बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको। यहां पर कुछ नहीं, कोई डोनेटिंग ग्रुप, आई इक्वल टू यहां पर 0, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ प्लस आई लगा हुआ है, यहाँ दोनों साइड प्लस आई लगा हुआ है। देखो प्लस आई प्लस आई, प्लस आई के इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर तीन तीन प्लस आई, प्लस आई प्लस आई और प्लस आई, तीन तीन है यहाँ पर, ठीक है, तीन तीन यहाँ पर। जल्दी बताइए ध्यान से, देखो ध्यान से यहाँ पर, तो जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा। स्टेबिलिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? 1 डिग्री की, मिथाइल कैटायन की, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, मतलब सबसे पहले होता है CH3-, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यहाँ पर ये ऑर्डर आता है, ये इसका ऑर्डर आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि स्टेबिलिटी के लिए जब हम लोग स्टेबिलिटी पूरा चेक करते हैं इसका, ऑफ कार्बेनायन पहले नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है भैया माइनस R, माइनस आई, आई इक्वल टू 0, देन प्लस आई, देन प्लस आर। ये पूरा ऑर्डर है, जब कभी भी रिंग पर ग्रुप लगा हो और आप चेक करते हो, आप रिंग पर ग्रुप लगा हो और आप चेक करते हो, तो इसको आंसर निकाल लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, इससे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे भाई, इससे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गई बात की नहीं? इससे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे भाई, ठीक है, समझ गए बात को? समझ गए बात को? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, समझ में आ गई बात की नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबको बात क्लियर है? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, सबको बात क्लियर है भाई? जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। नेक्स्ट,
अब आइए देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रो निगेटिविटी इंक्रीजेस, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रो निगेटिविटी इंक्रीजेस, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस। जितना परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, जितना परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर जाएगा उतना स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, उतना स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, वहां पर इतना स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आइए देखिए ध्यान से यहां पर, ये एसपी हाइब्रिडाइज है, ये एसपी टू हाइब्रिडाइज है और ये एसपी थ्री हाइब्रिडाइज है, समझ गए। एसपी एसपी टू एसपी थ्री, एसपी एसपी टू और एसपी थ्री, एसपी एसपी टू और एसपी थ्री। क्लियर है भाई सबको? सबको बात क्लियर है? समझ में आ गई बात की नहीं? समझ में आ गई बात की जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, समझ में आ गई बात की जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, समझ में आ गई बात की नहीं सबको बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबको बात समझ में आ गई कि नहीं जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी से बताइए ध्यान से यहाँ पर। क्लियर है? समझ में आ गई बात सबको? सबको बात क्लियर है? जल्दी जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर, यहाँ पर देख लो, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कार्बे एनायन का, कार्बे एनायन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझ में आ गई बात की नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बे एनायन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बे एनायन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बे एनायन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बे एनायन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बे एनायन भाई, क्लियर है? समझ में आ गई बात की नहीं? रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बे एनायन, क्लियर है? समझ में आ गई बात की नहीं? रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बे एनायन, समझ में आ गई बात सबको? सबको बात क्लियर है? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबको बात क्लियर है? जल्दी से बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबको बात क्लियर है? ध्यान से बताइए, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग कौन कौन सी? पहला आता है एक ईवन सी बी रिएक्शन, यहाँ पर एनायन बनता है। ईवन सी बी रिएक्शन नाम सुना है? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन, नाम सुना है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। दूसरा बताओ, अगला डी कार्बोक्सीलेशन, ठीक है। तीसरा एल्डोल, कंडेंसेशन। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या बनता है? एल्डोल कंडेंसेशन। ये सब किस में आती हैं? ये सब रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्या है? कार्बे एनायन, कार्बे एनायन के अंदर आते हैं, ठीक है। वर्ड ब्यूटी पता चल रहा है, कार्बे एनायन चल रहा है, कार्बे एनायन क्या चल रहा है? कार्बे एनायन चल रहा है भाई, कार्बे एनायन। समझ गए बात को? समझ गए बात को कि नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, समझ गए बात कि नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। क्लियर है भाई सबको? सबको बात क्लियर है? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आइए देखिए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर, आइए देखिए ध्यान से यहाँ पर। क्लियर है? आइए देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो ध्यान से यहाँ पर, अगला अब आता है मेरे दोस्तों यहाँ पर, यदि देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। अब आता है अगला, आता है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, क्या बोलते हैं कार्बन एनायन बोलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली किसके होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन के। स्टेबिलिटी ऑफ क्या होता है, कार्बन एनायन के हो जाता है भाई, क्या होता है कार्बन एनायन के। ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं। जितना ज्यादा यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पर होगा, तो आप देख के मेरे को बताइए। पहला मैं एग्जांपल ले लेता हूं ये, ठीक है, यहां पर ले लिया ये, यहां पर ले लिया ये, यहां पर ले लिया ये, इन सब में क्या बनेगा कार्बन एनायन, इन सब में क्या बनेगा कार्बन एनायन। यहां पर क्या आएगा CH3-, यहां पर क्या आएगा CH3 CH2-, इधर क्या आएगा CH3 CH2 CH2-। ठीक है, चले आगे बताइए। सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला, तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ क्या हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, रेट ऑफ क्या हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, चलो आगे जल्दी बताइए ढंग से यहां पर। ठीक है, अब सवाल आता है कार्बन एनायन पर। आइए मेरे दोस्त, हम लोग को सवाल करने जा रहे हैं, आप मुझे बताइए एप्लीकेशन ऑफ कार्बन एनायन, ये एप्लीकेशन ऑफ कार्बन एनायन चलने जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ कार्बन एनायन। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है कार्बन एनायन। ठीक है, सीके चौधरी, रक्षित, वर्ल्ड ब्यूटीफुल, किलर, शिवांगी सिंह, सारे बच्चों को बता दूं कि कार्बन एनायन चल रहा है बेटा, कार्बन एनायन आज चल रहा है, कार्बन एनायन। ठीक है, क्या चल रहा है, कार्बन एनायन चल रहा है भैया, कार्बन एनायन चल रहा है भैया। ठीक है, जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, क्या चल रहा है कार्बन एनायन। देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए, बताइए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, सबसे ज्यादा कौन होगा भाई, सबसे ज्यादा कौन होगा यहाँ पर, होगा मोर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर कितनी होंगी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जिन्हें हमने पढ़ाया था यहाँ पर होंगे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपको पता है मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी स्टेबिलिटी। चलो अगला क्वेश्चन।
आपसे सवाल पूछा मैंने, आपसे सवाल मैंने पूछा है, ये है इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला सवाल मैंने पूछा आपसे, अगला सवाल मैंने आपसे पूछा है, जल्दी से बताइए, ध्यान से आप इसका आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग पूर्णिमा, गुड मॉर्निंग, बताइए दोनों क्वेश्चनों का आंसर। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताइए ध्यान से। इस पहले वाले का आंसर ये आएगा, एच ज्यादा होता है, एच की रिलीजिंग पावर कम होती है, डी की, ठीक है। पहले वाले का 1 2 3 आएगा, पहले का वाले 1 2 3 आएगा, दूसरे वाले का 2 और 1 आएगा, क्योंकि -4 में डोनेटिंग पावर कम होनी चाहिए। -4 में डोनेटिंग पावर क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। -4 में डोनेटिंग पावर कम होनी चाहिए। अगर कार्बोकैटायन होता तो उल्टा आ रहा था, पहले आता ये डी वाला, ये टी वाला आता पहले। यहाँ पर ठीक कर दो, मैंने गलती से लिख दिया है, इसको ठीक कर दो। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखता हूँ कितने बच्चों को पता चलता है भाई। ये क्वेश्चन करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि आपका आंसर कितना आपके दिमाग में गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मेरे को ये मालूम चल जाएगा कि आप लोगों के दिमाग में कितना कार्बन एनायन बैठ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ठीक चलो ध्यान दीजिए भाई, फटाफट जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी से बताइए ध्यान से यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए ध्यान से यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए ध्यान से। इस क्वेश्चन का आंसर है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा देखते हैं कौन बता पाता है। सबसे ज्यादा कौन बता पाता, देखो यहां पर स्टेबिलिटी। पूरे बच्चे जवाब देंगे भाई इसका, पूरे बच्चे इसका जवाब देंगे तब हमको मालूम चल जाएगा। रक्षित ने आंसर दिया है, नहीं दिया अभी तक। रिचा आंसर दो, सीके चौधरी, रक्षित ने दे दिया आंसर, पूर्णिमा ने दे दिया आंसर, रिचा ने दे दिया आंसर, और कोई भाई? जितने बच्चे हैं सब बच्चे देंगे आंसर, कोई नहीं खाली बैठेगा, कोई खाली नहीं बैठेगा। सब लोग पूरी दिमाग लगा दो, पूरा दिमाग लगा दो, सब लोग खाली मत बैठना। ठीक है, समझ में आगे बात की? जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, समझ में आगे बात की नहीं यहाँ पर, समझ में आगे बात की? जल्दी बताइए, बताइए ध्यान से यहाँ पर, समझ में आगे बात की नहीं?
बताइए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, फटाफट जल्दी 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 से। आंसर है 1 2 3, आंसर है 1 2 3 है भाई, आंसर लोग कह रहे हैं 1 2 3, लेकिन आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर ऋचा का सही बिल्कुल आंसर आया, आंसर है 4 3 2 1, आंसर है 4 3 2 1। मेरे को मालूम था कि आप गलती करोगे, और आपकी गलती नहीं है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ाया नहीं जाता, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए ऐसा होता है। अब जरा सुनो ध्यान से, सुनो गौर से नीट वालों बच्चों, आइए देखते हैं यहां से कितने अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर कितने अल्फा हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हैं? 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हैं? 0 अल्फा हाइड्रोजन बेटा। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर पहले से निगेटिव चार्ज है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ले जाए, देखो ध्यान दो, इसको यहां बना रहा हूं, मान लो इस स्ट्रक्चर को हाइपर कंजंक्शन के साथ में ले जाए, देखो निगेटिव चार्ज है ठीक है, अगर यहां पर इसके साथ में ब्रेक करें, देखो ध्यान से, यहां पर एक एक को मान लो तोड़ा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर क्या आएगा? माइनस। तो क्या बनेगा यहां पर, क्या बनेगा? देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर माइनस, यहां पर पाई, यहां पर पाई, यहां पर क्या है? CH2- है, और यहां पर क्या है? CH, H के ऊपर प्लस, इस पर डबल बॉन्ड, यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड फिर टूटा, क्या बनेगा? क्या बनेगा जल्दी बताइए ध्यान से, यहां पर ये वाला ये है, यहां पर माइनस साइन आ गया, और यहां पर क्या होगा? CH2 है, यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, और ये क्या है? H है, यहाँ पर क्या है? H+। आप मुझे बताइए, यहां पर भी निगेटिव आया और यहां पर भी निगेटिव आया, क्या दोनों के बीच में बहुत तगड़ा रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? और कितनी बार निगेटिव आएगा? एक बार तो ये हो गया, फिर अगली बार ये वाला बॉन्ड टूटेगा तब फिर निगेटिव जाएगा, फिर अगली बार ये फिर टूटेगा, तो कितनी बार? 3 बार निगेटिव रिपल्सन होगा, 3 बार निगेटिव निगेटिव रिपल्सन होगा, होगा नहीं होगा? लेकिन यहां पर कितनी बार रिपल्सन होगा? यहां पर 2 बार रिपल्सन होगा, सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ कितनी बार रिपल्सन होगा? सिर्फ 1 बार रिपल्सन होगा, और यहां पर कितनी बार होगा? 0 बार रिपल्सन होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 4 3 1। आपको बचपन से याद है ना इंडक्टिव लगाना, आप सब बच्चों को बचपन से याद है इंडक्टिव लगाना, इसीलिए गलती होती है ना अधिकतर, अधिकतर आपकी गलती नहीं, स्कूल लेवल पर बस कुछ ना हो इंडक्टिव लगा दो, साइज बड़ा, चौड़ा साइज, लंबा साइज, क्या बोलते हैं, डोनेटिंग पावर ज्यादा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आंसर आ गया। लेकिन बेस्ट क्वेश्चन तो आपको कराया नहीं जाता, बेस्ट क्वेश्चन तो आपको कराया नहीं जाता, बस सिंपल सिंपल करा लोगे, पढ़ लोगे, बच्चे भी खुश और टीचर भी खुश, बच्चे कहेंगे पढ़ने में मजा आ गया, सबको समझ में आ गया, और टीचर आपको पढ़ाने में इजी हो जाएगा और आपको मजा आ जाएगा, और आप जब नीट जाओगे तो नीट क्वालिफाई होगे नहीं, नीट क्वालिफाई करोगे नहीं आप, ए नहीं है? बताओ कितने लोग कहते हैं इस क्वेश्चन का एकदम जानदार शानदार क्वेश्चन है बिल्कुल, कितने बच्चे कहते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार शानदार है, बताइए कितने बच्चे बताएंगे, कितने बच्चे बताएंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन जानदार और शानदार है, बताइए ढंग से यहाँ पर कितने बच्चे बताएंगे, है कि नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से, आपका कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, है कि नहीं? बोलो भाई जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट सवाल है आपको कराया मैंने, कितना इंपॉर्टेंट सवाल कराया मैंने। सब लोग भैया वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भैया, शेयर कर दो, बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, शेयर कर दो। देखो ध्यान से यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या होगा भैया, ध्यान दीजिए यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा, जल्दी बताइए ध्यान से, यहां पर जल्दी ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग,
जल्दी से ध्यान दीजिए फटाफट। जल्दी देखिए ध्यान से यहां पर, ठीक है? समझ में आ गई बात की नहीं? समझ में आ गई बात की? जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, समझ में आ गई बात? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। चलो पहला, दूसरा, तीसरा। देखते हैं कौन आंसर बता पाता है इसका, इसका आंसर बता कौन पाता भाई, इसका आंसर कौन बता पाता, ये देखने वाली बात होगी, ये बहुत दिलचस्प बात होगी, ये बहुत दिलचस्प बात होगी भाई, ये बहुत दिलचस्प बात होगी कि इसका आंसर कौन बता पाता है, इसका आंसर कौन बता पाता भाई, सब लोग, दिलचस्प बात होगी ये। ध्यान दीजिए फटाफट, ध्यान दीजिए भैया। बताओ आंसर इसका, जल्दी बताइए, सब लोग बताइए ध्यान से, सब लोग बताइए ध्यान से यहां पर, इसका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिए भैया, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर भाई? देखो आंसर कुछ लोगों ने दे दिया भैया। अब मेरे दोस्त मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं, सबसे पहला ये आएगा 1 2 3 आंसर आएगा बेटा, यहां ये आ गया है निगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक, एरोमेटिक, और ये क्या है, रेजोनेंस है, ये क्या है, रेजोनेंस है, और यहां पर भी क्या है, सिंपल रेजोनेंस है। निगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर देखो, यहां पर एरोमेटिक है, निगेटिव चार्ज की वजह से, आप कहोगे यहां पर निगेटिव रेजोनेंस नहीं है, यहां निगेटिव कैसे एरोमेटिक नहीं है, लेकिन यहां पर निगेटिव कैसे क्या है, एरोमेटिक, चार्ज की वजह से, चार्ज की वजह से यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये क्या है, एरोमेटिक है, सबसे ज्यादा स्टेबल। ये कितना बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं कि नहीं, बढ़िया बढ़िया सवाल बताओ भाई, सवाल करवा रहा हूं बढ़िया से कि नहीं, आइए देखिए ध्यान से यहां पर। चलो चलो, इन तीन सवालों का जवाब देना है, इन तीन सवालों का जवाब देना है। देखो दिव्यांश, ऋचा, आशुतोष, सारे बच्चे जवाब देंगे, तीनों सवालों का जवाब देना भैया, एक एक सवाल आज मैं एकदम करा दूंगा, चिंता मत करो बिल्कुल। बताओ सबसे स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी, बताओ आंसर, इसका आंसर आता है, इसका आंसर आता है, जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, बताओ भाई आंसर, बोलो आंसर, बोलिए क्या हुआ, खूब तो पढ़ चुके हो, बहुत पढ़े हो तुम लोग, तुम लोग बहुत पढ़े हो, तुम लोग पढ़े बहुत हो, मुझे पता कि बहुत पढ़े हो, बहुत पढ़े हो यहां पर, तो यहां पर ध्यान दीजिए, आंसर आएगा, आंसर आएगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, क्योंकि ये क्या है भैया, आंटी है, ये क्या है, आंटी, एरोमेटिक, ठीक है, समझ में आ गई बात की, और आंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आता है आंटी एरोमेटिक, सबसे लास्ट में क्या आता है, आंटी एरोमेटिक, ऐसा तो ना, ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा भाई, नॉन एरोमेटिक, समझ में आ गई बात की नहीं, समझ में आ गई बात की ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड है,
ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं, रेजोनेंस सिंपल हो रहा है, सिंपल रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं भाई, जल्दी बताइए ध्यान से। यहाँ पर रेजोनेंस लगा दो, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, सिंपल रेजोनेंस। आंटी वाले को लास्ट, हाँ सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है। चलो जल्दी से बोल देंगे जवाब। इस सवाल का जवाब देने के बाद कुछ हमको अब तक आपके दिमाग में देखें कि आइडिया आया कि नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। करो जल्दी से करो। चलो जल्दी से सवाल दोनों करके बताओ दोनों, बताओ भाई ध्यान से सब लोग, दोनों करके बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए भैया, एकदम ध्यान दीजिए यहाँ पर, एकदम ध्यान दीजिए यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान दीजिए फटाफट, जल्दी से फटाफट स्टेप, जल्दी बताइए जल्दी से, ध्यान दीजिए भाई फटाफट सब लोग, जल्दी से बताइए। ध्यान दीजिए सब लोग फटाफट जल्दी से, पहले वाले का रिचर आंसर दे दिया है, 2 3 1, बिल्कुल सही जवाब है। देखो बेटा यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा से कम होता है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा, अल्फा कम होना चाहिए, अल्फा नहीं होना, और यहाँ पर सिर्फ प्लस आई लगेगा, सिर्फ प्लस, और यहाँ पर आई इक्वल टू 0। मेरे दोस्तों पहले आता है, जल्दी देखिए ध्यान से, यहाँ पर आई इक्वल टू 0, देन आता है प्लस आई, देन आता है प्लस SC, ये आंसर होता है भाई। तो आंसर हो जाएगा भैया, ये आंसर हो जाएगा 3 2 1, गलती कर दिया, 3 2 1 हो जाएगा आंसर, पहला वाला हो जाएगा 3 2 1। कार्बन आयन तो डोनेटिंग ग्रुप है अनस्टेबल करता, अनस्टेबल डोनेटिंग ग्रुप क्या करता, अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल करेगा, ये भी अनस्टेबल करेगा, यहाँ पर आई इक्वल टू 0, यहाँ पर भी क्या है, आई इक्वल टू 0, ठीक है। जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, यही बताइए ध्यान से, यहाँ पर क्या है प्लस आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस SC, हाइपर कंजुगेशन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा से कभी हमने, हम लोगों ने सीखा था कि जितनी बार जाएगा उतना कम करेगा, जितनी बार जाएगा उतना कम करेगा, तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। बताइए 3 2 1, 3 2 1 किसका आंसर आया, कितने बच्चों का, एनायन के लिए, एनायन के लिए ऑर्डर क्या होता है भाई, आई इक्वल टू 0, देन प्लस आई, देन प्लस SC होता, देन प्लस R होता, देन प्लस R भी होता है, लो प्लस R कर दिया, यहाँ पर प्लस R भी कर दिया लास्ट, ठीक है। किसी का सही था, किसी बच्चे का सही था, देखो आपको अगर सिंपल सिंपल हल्के फुल्के हल्के फुल्के हल्के फुल्के सवाल करा दिए जाए तो आप कहते वाह वाह कर लेते हो, और कहते टीचर बहुत अच्छा है, आप कहते हो टीचर बहुत अच्छा है, क्योंकि हल्का फुल्का सवाल करा देगा आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, आप हल्के फुल्के सवाल करा देगा आपको मजा आ जाएगा। लेकिन जब अच्छा सवाल कराया जाए ना, जब अच्छा सवाल कराया जाए, ठीक है ठीक है,
जब अच्छा सवाल कराया जाएगा तो जो नीट के लायक होगा वो हम कराएंगे आपको नीट के लायक सवाल, वो आपको हम कराएंगे नीट के लायक सवाल, वो नीट के लायक सवाल हम कराएंगे आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नीट के लायक सवाल हम आपको कराएंगे बेहतरीन वाला, ठीक है? देख लो चैलेंजिंग क्वेश्चन में गलती हो रही कि नहीं हो रही, फिर भी बच्चे बहुत कम लाइव रहते हैं, बहुत कम बच्चे लाइव रहते हैं। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि बहुत सारे बच्चे को लाइव ले आओ, तुम लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है? इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, 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 फिर भी बच्चे बहुत कम लाइव रहते हैं, बहुत कम लाइव रहते हैं यहाँ पर, ठीक है? बहुत कम लाइव रहते हैं यहाँ पर, है कि नहीं? है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, बहुत कम लाइव रहते हैं भाई, ठीक है? समझ गए बात को? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, एक आध सवाल और कराया था फिर आगे बताता हूँ, फ्री रेडिकल फिर कराता हूँ आपको, फ्री रेडिकल। आज सरस्वती पूजा में बिजी हैं? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, हम भी पूजा कर लेते हैं भाई, ठीक है? ठीक है, चलो एक सवाल जरा आपके नाम, एक सवाल आपके नाम, देखते हैं कितना आंसर आता है। ध्यान से जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, बेटा वशन वंशम, वंशम जी 8 बजे टाइमिंग होती है, 8 बजे से। चलो बताओ ध्यान से यहाँ पर, बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हाँ बताइए, हाँ जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी सोच के बताइएगा ध्यान से यहाँ पर क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। जल्दी से बताइए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइए ध्यान से यहाँ पर,
कौन बताएगा इसका आंसर? यश नेहरा ने बताया 1 2 3 4 होगा। ओम सिंह बताया है 1 2 3 4 बताया है और बिल्कुल सही जवाब है। आर्थो पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेंस। एट आर्थो पोजीशन इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट, प्लस आई पावर मोर डोमिनेंट हो जाता है। यहाँ पर प्लस आई पावर मोर डोमिनेंट हो जाता है डिस्टेंस कम होने की वजह से। डिस्टेंस यहाँ पर ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाता है भाई इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मोर, इंडक्टिव सबसे कम इस इफेक्ट किसका है? सबसे कम इंडक्टिव किसका है भाई? सबसे कम इंडक्टिव किसका है? ध्यान दीजिए, सबसे कम इंडक्टिव किसका, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, सबसे बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट किसका है, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम किसका है, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट किसका है? बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट किसका है भाई? ध्यान दीजिए। ठीक है, बस खत्म काम, आंसर आ गया, आंसर आ गया, खत्म काम यार, आंसर आ गया, आंसर आ गया इंडक्टिव इफेक्ट। चलो आप मुझे बताओ कि इसका और इसका, ठीक है ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका और इसका ध्यान दीजिए, ये है माइनस चार्ज और ये सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई? इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इन दोनों में? देखो ये है, ये होगा एरोमेटिक हो जाएगा। ये क्या है? एरोमेटिक। और ये क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस। नेक्स्ट अब आता है फ्री रेडिकल। फ्री क्या है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या होता है भैया? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता है एच, एच ऑड इलेक्ट्रॉन होता है एक, और ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। उसके बाद जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। उसके बाद जरा देखे ध्यान से यहाँ पर, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ये बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है भाई। यहाँ पर सेवेंथ इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात की नहीं? समझ में आ गई बात की? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबको बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबको बात क्लियर है? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा भाई। क्लियर है? आइए अब आइए यहाँ पर, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, पहले होता है 3 डिग्री, वही कार्बोकैटायन की तरह 1 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात?
आइए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटा फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई ग्रुप के। एक तो यह, इसीलिए इसीलिए आपने देखा होगा यहां पर ये CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, यहां पर CH3 और CH3, यहां पर CH3 और CH3, ठीक है। यहां पर ये डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पर सब पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ डोनेटिंग ग्रुप और यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीजेस। पूरे केस के अंदर हम लोग लगाते हैं स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है प्लस आर प्लस हाइपर कंजुगेशन प्लस आई आई इक्वल टू जीरो माइनस आई और माइनस आर, ये पूरा ऑर्डर लगाया जाता है, ये पूरा ऑर्डर लगाया जाता है। आप बताइए जरा, देखिए ध्यान से यहां पर, ठीक है। अब आइए रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल। अच्छा, अनस्टेबल कौन रहता है, एक बात आप ले लो, हाईली अनस्टेबल किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर अगर आपने फ्री रेडिकल लगा दिया, ये अनस्टेबल है। यहां पर ये है, ये दोनों ही क्या है, अनस्टेबल। ये दोनों ही क्या है, अनस्टेबल। ये दोनों ही क्या है, अनस्टेबल है भाई, समझ में आ गई बात। रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल, आपने देखा होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन के अंदर होती है भाई। दूसरा आपने पढ़ा वुड्स रिएक्शन, पढ़ा है क्या आपने, पढ़ा है इलेक्ट्रोल्वे बोल्वे बोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस, आपने पढ़ा, आपने पढ़ा, जल्दी बताइए ना, बोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आपने पढ़ा, जल्दी देखो ध्यान से यहां पर, ठीक है। हाँ, प्लस आर और प्लस एम दोनों सेम चीज होता है, प्लस आर और प्लस एम बताया था उस दिन रेजोनेंस मैंने कि दोनों सेम चीज होता है, प्लस एम या प्लस आर, बोथ आर सेम, बोथ आर क्या होता है, सेम होता है, बोथ आर क्या होता है, सेम। इसके बाद हर्ट्ज-डीकर रिएक्शन, हर्ट्ज-डीकर रिएक्शन, बोरोलिन लगा ले, ये वाले सब, ये सब रिएक्शन किसमें आती हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, ये सब क्या होती हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देते हैं। फ्री रेड, इसके अंदर क्या आता है, फ्री रेडिकल आता है, इसके अंदर क्या आता है, फ्री रेडिकल आता है, इसके अंदर क्या आता है, फ्री रेडिकल आता है भैया, इसके अंदर क्या आता है, फ्री रेडिकल आता है भाई, ठीक है। समझ में आ गई बात की नहीं, समझ में आ गई बात की, जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर। अगला आइए जरा देखिए ध्यान से यहां पर, जल्दी देखिए ध्यान से यहां पर, जल्दी देखिए ध्यान से यहां पर, जल्दी देखिए ध्यान से यहां पर क्या होगा।
आइए मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है? देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा भाई, ध्यान दीजिए यहाँ पर। यहाँ तक कर लिया हमने, आइए एप्लीकेशन कर लेते हैं भाई, एप्लीकेशन इसका। आप फ्री रेडिकल, एप्लीकेशन ऑफ फ्री रेडिकल, एप्लीकेशन ऑफ फ्री रेडिकल पहला सवाल करने जा रहा हूं मैं। बहुत बेसिक सवाल लेके चलूंगा बेटा, और सबको बताना है, एकदम सिंपल सिंपल सवाल को लेकर चल रहा हूं मैं, ठीक है? समझ में आ रही बात की नहीं? एक पहला वाला हो गया, जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, बस अल्फा लगा दो खत्म काम। यहाँ पर 9 अल्फा है और यहाँ पर क्या है, 0 अल्फा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गई बात की नहीं? समझ में आ गई बात की नहीं? देखो, दो सवाल दे कराया मैंने आपको, दो सवाल करा दिया मैंने आपको, दो सवाल मैंने आपको करा दिया। तीसरा, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, सब लोग बताइए ध्यान से यहाँ पर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दे रहा हूं। चलो जल्दी बताओ ध्यान से, दोनों सवालों का आंसर बताइए, जल्दी से दोनों सवालों का आंसर बताइए, दोनों सवालों का आंसर बताइए। दोनों सवालों का आंसर बताइए। पहले वाले में आई थिंक ये आंसर आएगा 3-2-1, डोनेटिंग पावर ज्यादा, डोनेटिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, इसकी डोनेटिंग इंडक्टिव लग रहा है ना, सिर्फ इंडक्टिव, सिर्फ लग रहा है इंडक्टिव, यहाँ पर अल्फा नहीं लगेगा बेटा, अल्फा नहीं लगेगा, इंडक्टिव लग जाएगा, और यहाँ पर अल्फा लग जाएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और
यहाँ पर जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। लो जी आंसर आ गया, लो जी आंसर आ गया, लो जी आंसर आ गया भाई, लो जी आंसर आ गया। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ये हो गया। जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर जल्दी बताइए दोनों क्वेश्चनों को, जल्दी बताइए दोनों क्वेश्चनों को, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों का आंसर। ध्यान दीजिए भाई जल्दी, जल्दी से क्या आंसर आएगा। देखो इसका आंसर आएगा ये और इसका आंसर आएगा ये, ध्यान दीजिए। यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगाया आपने, हाइपर कंजुगेशन, और यहां पर क्या लग गया है इंडक्टिव। यहां पर क्या है हाइपर कंजुगेशन, लेकिन एससी वाला पहले आता है और इसकी कंपेरिजन, दोनों में एससी है लेकिन CD3 पहले आता है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है मैंने आपको बताया था ये वाली बात। बस एक दो सवाल करिए, मैं छुट्टी कर दूंगा आपकी। आज बच्चे बहुत कम लाइव आए और इतना बढ़िया क्वेश्चन कराया ना मैंने, इतना बढ़िया सवाल कराया, इतना बढ़िया सवाल कराया कि कभी सवाल इतना अच्छा नहीं कराया था। देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। चलो बताओ ध्यान से यहां पर, जल्दी बताओ ध्यान से यहां पर। जल्दी से ध्यान जल्दी बताओ भाई, बताओ आंसर, बताओ आंसर, बताओ जल्दी 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 बताइए आंसर। क्या आंसर आएगा दोनों केस में? जल्दी बताओ ध्यान से, जल्दी
ध्यान दो भाई, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताइए ध्यान से, यहां पर क्या आएगा आंसर? आंसर देखो यहां पर आएगा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन यहां लग जाएगा, प्लस एस सी और प्लस एस सी। याद करो एस सी के अंदर हाइपर कंजुगेशन में CH3, CD3 और CT3 आता है, याद करो। और जबकि इंडक्टिव में उल्टा आता है बेटा, इंडक्टिव में पहले सबसे कम CH3, फिर CD3 और फिर CT3, याद करो। दोनों में उल्टा है, दोनों में उल्टा है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा आंसर। कितने लोगों का सही आंसर है ये? कितने लोगों का ये सही आंसर है भाई? कितने लोगों का ये सही आंसर है भाई, है कि नहीं? कितने लोगों का सही है? ऋचा गलत करती है भाई, इंडक्टिव लगना है यहाँ पर। मेटा पर सिर्फ इंडक्टिव लगता है, मेटा पर सिर्फ इंडक्टिव लगता है, मेटा पर हाइपर नहीं लगता बेटा, यहाँ पर नहीं लगता है, सिर्फ इंडक्टिव लगता है, सिर्फ इंडक्टिव लगता है। ठीक है, ठीक है, सिर्फ इंडक्टिव लगता है, सिर्फ इंडक्टिव लगता है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्या लगता है? इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। क्या लगता है? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लगता है? इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। ठीक है, क्या लगता है? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, बताइए ध्यान से। ठीक है, समझ गए बात को? आइए आइए जरा देखिए ध्यान से यहां पर, बस लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी कर दे रहा हूं आपकी, लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी। खूब सारा पढ़ा दिया आज आप लोगों को मैंने, खूब सारा पढ़ा दिया मैंने आपको आज, खूब अच्छे तरीके से समझा दिया डिटेल में। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बताओ भाई यहां पर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई? जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से यहां पर, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बताओ ध्यान से। हाँ देखो, यहां आएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर आएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर आएगा इंडक्टिव। पहले कौन आता है? हाइपर कंजुगेशन, तो पहला वाला आएगा, फिर तीसरा वाला आएगा, फिर लास्ट में सेकंड वाला आएगा, खत्म काम। 1 3 2 आंसर हो गया, हमको पता है कि पहले वही लगाना है। समझ गई बात है कि नहीं? समझ में आ गई बात कि नहीं? समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरह से मैंने आपको आज फ्री रेडिकल कंप्लीट कर दिया, कार्बन लाइन कंप्लीट कर दिया है, फ्री रेडिकल और कार्बन एनायन कंप्लीट कर दिया भैया, फ्री रेडिकल और कार्बन एनायन कंप्लीट कर दिया भाई। ठीक है, सब लोग वीरू कोड का यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें। आज हम देखो टाइमिंग हमारी यही है, 8 से 9:30, 2 से 3 है टाइमिंग। आज हम पढ़ाएंगे यहाँ पर NCERT आक्रमण, आक्रमण NCERT आक्रमण पढ़ाएंगे आज आपको, आज आपको पढ़ाया जाएगा सोल्यूशन चैप्टर, सोल्यूशन चैप्टर को अंडरलाइन कराएंगे, अंडरलाइन कराएंगे। और 8 से 9 टेस्ट वाला क्विज होता डेली, आप अपने आप को वो करने के लिए, अपने आप को क्विज होता है, पोल दिया जाता है वहां पर, पोल। अगर आप चाहते हैं कि स्पीड एक्यूरेसी आ जाए तो ये टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें। ठीक
ठीक है। कल मेरे को याद नहीं मैं क्या पढ़ाऊंगा, मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। देखो आप ध्यान से, एनसीईआरटी वीरू कोड का यूज करके बच्चे प्लस नाइन करें। आपको एनसीईआरटी खुद नहीं पढ़ना है, मैं खुद कराऊंगा आपको। एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना, कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी आपको, रेफरेंस बुक नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी रेस मिलेगी, कोटा क्वेश्चन बैंक विद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, डीपीपी एनसीईआरटी कॉर्नर और हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, प्लस यहाँ पर जरा देखे ध्यान से, यहाँ पर प्लस जरा देखे ध्यान से, यहाँ पर वीरू कोड का यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें भाई। वीरू कोड का यूज करके आप 10% का ऑफ मिल जाएगा। 10% का क्या मिल जाएगा? ऑफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, वीरू कोड का यूज करके 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 34 मंथ और 50 यहाँ पर। ठीक है, यह है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम अप्रोच, पर्सनलाइज फीडबैक, क्विजेस, स्ट्रक्चर बैचेस, सब कराया जाता है भाई। ये 10% का ऑफ मिलेगा यहाँ पर ये। ठीक है, प्रयास बैच के लिए वीरू कोड यूज करें, अरमान बैच के लिए वीरू कोड यूज करें, लक्ष्य बैच के लिए वीरू कोड यूज करें, एसी नीट के लिए वीरू कोड यूज करें, सेटअप बैच के लिए वीरू कोड का यूज करें। कोई बैच आपको ज्वाइन करना है, वीरू कोड का यूज करके यहाँ पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों 3 राज आक्रमण में, प्लस लेने के लिए वीरू कोड का यूज करें। थैंक यू, थैंक यू।